आप सभी कला प्रेमियों को सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक HD पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 11वें अध्याय में आप देखेंगे कोप भवन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे दिलों में स्थान बनाए हुए है। आपका अपना चैनल विश्व स्तरीय मंच पर अपना एक अनुपम स्थान बना चुका है। आयोजित रामलीला के चलते अपने स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव को हरियाणवी फोक HD चैनल द्वारा सम्मानित किया गया तथा आदरणीय मंत्री जी ने मुझे यानी आपके अनुज को भी मंच पर एक वाद्य यंत्र सम्मान स्वरूप दे मेरा मान बढ़ाया। इसी कड़ी में रामलीला मंचन के दौरान आदरणीय श्री वासुदेव जी यादव तथा आदरणीय श्री सत्यव्रत जी शर्मा उन्होंने भी अपना कीमती समय मंच पर देकर मंच की शोभा बढ़ाई। ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 11वें भाग में आप देखेंगे दशरथ के अभिनय में नारनौल स्थित मंदिर कड़ियावाला महाराज के प्रमुख भगत आदरणीय श्री नरेंद्र जी शर्मा। आज की लीला में आप भगवान श्री राम तथा केवट का भी प्रसंग देखेंगे और यह बताते हुए मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि प्रदेश की मात्र यह रामलीला मंच ही ऐसा मंच है कि यहाँ के कलाकार स्वयं नौका के द्वारा इस तट से उस तट तक लीला का मंचन करते हैं। आप और हम परिचित हैं इस बात से कि इमारत कितनी ही सुंदर, कितनी ही ऊंची, कितनी ही बड़ी हो, परंतु वह नींव पर टिकी होती है और भारत की लोक संस्कृति की नींव है हमारी वह प्राचीन लोक गायकी जो अधिकतर इस प्रकार के मंचों पर हमें देखने व सुनने को मिलती है। आज की लीला में आप देखेंगे तथा सुनेंगे वो प्रमुख धुनें जो आपको बालकाल के मंचन की ओर खींच ले जाएगी। हो राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, छोड़ा साल रहूं मन में मैं नहीं कर्याने का। हो करुणा निधि करूं मैं दीनानाथ लखन अनाथ को संग लीजियो, मोह छोड़ स्वामी कौन पर कानन को कीनो पिता की और आज्ञा मान ली और 14 साल रहूं वन में कान ली और 14 साल रहूं वन में मन में ठान ली। फिर राम चले वनवास पिता की आज्ञा मान ली, थोड़ा साल रहूं मन में ठान ली। तो ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 11वें भाग का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। रामचंद्र की सभी माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छोटे छोटे बच्चों आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो लीला है बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक होने वाली है। वो भवन जो काफी प्रसिद्ध लीला है, आज केके के रोल में हमारे यहाँ के बहुत अच्छे कलाकार और दशरथ के रोल में आपने देखा होगा कन्या वाले हनुमान जी सुने गए, वहाँ के जो पुजारी है बाबा श्री नरेंद्र जी आप दशरथ के रोल में है, आप बहुत सौभाग्यशाली है, आपको तो देखने को मिलेगा राजा दशरथ के रूप में। बोल भगवान रामचंद्र की।
बताइए पिताजी को क्या हुआ है, इनके दुख का कारण बताइए। हे राम, तुम्हारे पिताजी मेरे वश में दुनिया
Oh,
ठीक है महाराज। और उन्हें रस में बिठा कर अनंता नदी पर स्नान करवा चले वनवास पिता की और आज्ञा मान ली और 14 साल रहूं वन में या वन में खान ली और 14 साल रहूं वन में या मन में खान ली। मेरे राम चले वनवास आज्ञा मान ली थोड़ा साल रहूं मन में ठान ली। राम चले वनवास पिता की आज्ञा मान ली थोड़ा साल रहूं मन में ठान। किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा, राम की माँ कौशल्या जब आएगी मुझसे पूछेगी कि मेरा बेटा राम कहाँ है, उसे क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर संदेश सुनाऊंगा। लक्ष्मण की माँ सुमित्रा भी आएगी, मुझसे पूछेगी मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, तो उसे क्या उत्तर दूंगा। गाय का बछड़ा दूर होने पर गाय रंभा करके दौड़ करके बछड़े के पास जाती है। उसी प्रकार से राम की माँ कौशल्या आएगी। सुमंत सुमंत तूने ये क्या किया, राम को वन में छोड़ करके आया। मैं ये कहूंगा नहीं, वही महाराज दशरथ जब मुझसे पूछेंगे कि भैया सुमंत मेरा राम कहाँ है, किस मुख से बतलाऊंगा कि आपके राम को वन में छोड़ करके आया। इस समय नहीं, जब मैं दिन में जाऊंगा प्रकाश में जाऊंगा तो सब अयोध्या का जल 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 समुदाय तोड़ करके आएगा, पूछेगा राम कहाँ है, उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अभी नहीं, संध्या काल के समय अयोध्या में प्रवेश करूंगा। दासी, इस समय महाराज कहाँ पर हैं? महाराज कौशल्या जी के महलों में हैं। महाराज सुमंत आपको प्रणाम करता है। कौन? सुनते उठे प्यास बोली न पते कहे सुमंत काराम सेठ सने निकट बैठारी पूछत राव ने न भरवारी। बोलो सुमंत मेरा राम का है, मेरी पुत्र वधु सीता का है। सुमंत बोलो मेरा राम लौट करके आ गया या वन के लिए चला गया। बोलो सुमंत बोलते क्यों नहीं हो। सुमंत बोलो मेरा प्राण प्यारा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। सुमंत मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा राम लौट करके अयोध्या में आ गया या नहीं आया। बोलो ना सुमंत, बोलते क्यों नहीं हो। सुमंत बोला महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वीर हैं,
और धर्म की धुरी को धारण करने वाले आपने साधुओं की ब्राह्मणों की सदैव सेवा की है। आप धैर्यता धारण करें प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से रथ लेकर के राम के समीप पहुंचा। क्या हुआ सुमंत? राम उसमें विराजमान हो गए। तो फिर क्या हुआ? प्रथम निवास राम ने तमसा के तट पर किया। वहां पर रात्रि भर विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल हुआ। कीने बहुत शिवकाई सो जामिनी सिंह रोर गवाई। महाराज प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने के पश्चात वहां गोहराज निषाद ने बड़ी राम की सेवा की। गोस को आज्ञा दी और बट वृक्ष का दुग्ध मंगाया। राम ने मेरे देखते देखते ही क्या हुआ अपने सुंदर केसों को जटाओं में परिणत कर लिया। उसके पश्चात राम ने केवट को बुलवाया। केवट नाव लेकर के आया, अपनी प्रिया सीता को चढ़ा करके लक्ष्मण के सहित नाव में आसीन हो गए। और यह सुमंत गंगा के तट पर खड़ा होकर के छाती पर पत्थर रख करके ये सब देखता रहा। राम वन को चले गए महाराज, चले गए वन को, चले गए मेरा राम नहीं। सुमंत तो मेरा राम चला गया। क्या मंत्री मंत्री सती गए बलों को राम। अब ये रासा आसरा भी जाता रात लखन गया और राम गया सीता भी गई साथ ही में। मेरा तन गया और प्राण गया सीता भी गई साथ ही। हम चटपटा चुके वो तेरे जंजाल जाल में फंस कर अब डूबे पाव तलक संसार सिंधु में दस कर। और धर धीर राम में तारी बोली वचन समय अनुसार। करण धार तुम अवध जहाज चढ़े सकन प्रिय पथिक समाज। हे स्वामी आप धीरज धारण करें, राम का वियोग एक अथाह समुद्र है और आप उस समुद्र में एक जहाज के समान हैं और उस जहाज में समस्त प्रजा प्रवासी कुटुंब पड़ोसी विराजमान हैं। तर धीरज उठ बैठ गुआलु कहे सुमंत कहा राम कृपा। सुमंत बोलो मेरा राम कहाँ है? बोलते क्यों नहीं हो सुमंत मेरा राम कहाँ है? प्रिय पुत्र बधू पे दे सुमंत मेरा वो राम कहाँ है? राम कहाँ है मेरे प्राणों से प्यारा? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? मेरी पुत्र वधु सीता कहाँ है? सुमंत मेरी सीता बिन पतराव बिकल बहु भांति भई जब सरस रात न राती ता वो देखो को तामस अर्ध साप सुध आई कौशल्यई सब कथा सुनाई।
देखो कौशल्य, वो देखो जिस समय मेरी तरुण अवस्था थी तो उस समय मैं अयोध्या से शिकार खेलने के लिए निकला। सरयू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया महारानी। शब्द भेदी बाण मैं बहुत अच्छा चलाना जानता था। उसी समय हमारा श्रवण कुमार, वो देखो